हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं खान के ब्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आप लोगों को लेके आया हूँ मुंबई के एक ऐसी मस्जिद में जिनका नाम है रसूल मस्जिद। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे कि आप लोग ये कुआं देख रहे हैं, ये वली के सिरहाने के पास ही मौजूद है। कहा जाता है कि इसमें से दूध निकला करता था। तो आज का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो माशाल्लाह गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं मुंबई के मोहम्मद अली रोड पे, जहाँ तेली मोहल्ला में ये मस्जिद मौजूद है जिस मस्जिद का नाम है रसूल मस्जिद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस मस्जिद के अंदर अल्लाह के दो वली मौजूद है, हजरत इदरीस शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम लोगों को मालूम पड़ा है कि इस मस्जिद के अंदर दो वली मौजूद है और उन वली के सिरहाने के पास एक कुआं है और कहा जाता है कि उस कुएं से दूध निकलता है। तो आज का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अभी हम लोग आप लोगों को दरगाह की ज़्यारत कराएंगे और इधर पे जो भी हम लोगों को मालूम हासिल होगी सरकार के बारे में तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं और ज़्यारत करते हैं दरगाह शरीफ की, और जो भी हमें मालूम हासिल होगी हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस, आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत इदरीस शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की और हज़रत सैयद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह की। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो ढका हुआ है यही वो कुआं है जिसे ढक कर रखा गया है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों से जानकारी करेंगे और मालूम हासिल करेंगे, फिर आप लोगों को हम बताएंगे दरगाह के बारे में और इनकी क्या हिस्ट्री है और इनकी क्या क्या करामतें हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस बावड़ी में से दूध निकलता है तो क्या करामत है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा।
तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़्यारत कर ली होगी। अब मैं देखने जा रहा हूँ कोई मिल जाएगा इधर पे जो काफ़ी पुराने होंगे जो यहाँ के बुजुर्ग, हम उनसे जानकारी करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये चाचा हमें इधर पे मिले हैं मस्जिद में माशाल्लाह। ये हमें ज़्यारत कराएंगे दरगाह शरीफ की, और इनके बारे में जो भी मालूम हासिल होगी हम इन्हीं से लेंगे जानकारी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बावड़ी के बारे में, अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या निकल रहा है इसमें से, और आप लोगों को बताऊंगा मैं हिस्ट्री। तो कहा जाता है काफ़ी सालों पुरानी दरगाह है, बहुत साल पुरानी दरगाह है ये माशाल्लाह सुभानअल्लाह। तो यहाँ के काफ़ी पुराने बुजुर्ग है ये चाचा, तो ये अभी हमें ये चीज़ दिखाएंगे। देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो ये आप लोग देख सकते हैं ढक के रखा गया है। कहा जाता है कि इधर पे औरतों का आना मना है, और जो लोग नापाक रहते हैं वो लोगों को इधर आना सख्त मना है माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं बावड़ी, इसी में से कहा जाता है कि दूध निकला करता था, मगर काफ़ी साल पहले अब इधर से दूध निकलना बंद हो गया है। तो कहा जाता है कि यहाँ से दूध निकला करता था जब, तो काफ़ी लोग क्या किया करते थे कि यहाँ से दूध निकाल करके बेचने लग गए थे। तो वली अल्लाह को जलाल आया तो यहाँ से दूध निकलना बंद हो गया, और सिर्फ पानी निकलता है माशाल्लाह सुभानअल्लाह। तो काफ़ी शिफा वाला पानी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं ये पानी पीऊँगा तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह इधर से पानी निकलने लग गया। और अगर कोई नापाक औरत या कोई नापाक आदमी यहाँ पर आता है इस बारगाह में तो ये पानी एकदम गंदा पानी आने लगता है, एकदम महकने लगता है ये पानी, जो कि पी भी नहीं सकते हम लोग। और माशाल्लाह सुभानअल्लाह जैसे कि आप लोगों ने देखे अभी मैंने ये पानी पिया, और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ मुझे ये पानी पीने के बाद, क्योंकि ये पानी का जो टेस्ट है जो स्वाद है एकदम अलग ही है, मतलब एक अलग ही लेवल का है माशाल्लाह सुभानअल्लाह। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो आता है दिली मुरादे लेकर के सरकार की बारगाह में, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और ये मुंबई के तेली मोहल्ले के इलाके में रसूल मस्जिद है, और उस मस्जिद के अंदर अल्लाह के दो वली मौजूद है माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बावड़ी से पहले दूध निकला करता था, अब करामतें जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कम होते जा रही है, लोगों के अकीदे के ऊपर जैसा रहते हैं उसी तरीके से वली अल्लाह अपनी करामतों से नवाजते हैं लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर आप लोगों के भी इलाके में कोई दरगाह है या किसी दरगाह का उर्से पाक मनाया जा रहा है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल मैं उधर जरूर आऊँगा। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस ये वीडियो बहुत जल्द आएगा आप लोगों के लिए, तो अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ लौटूंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को।